जब हमारी सोच और कार्रवाई के बीच में एक सही संतुलन होता है तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रेरणादायक विचार को ध्यान में रखते हुए नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दृष्टि चैनल पर, जहां हम आपके लिए ज्ञान से भरा कंटेंट प्रस्तुत करते हैं। आज भी हम आपके लिए एक ज्ञान से भरे वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सोचने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में हमें शिक्षा दी है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम जीवन को कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो की गहराई में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कई बार होता है कि हम कुछ करने का सोचते हैं पर फिर वह क्यों नहीं हो पाता, ये हम समझ नहीं पाते। इस पर भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सोचना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद हमें काम में भी खरी मेहनत करनी चाहिए और हमें अपने काम के प्रति पूरा समर्पण रखना होगा, तभी सोचा हुआ काम हम पूरा कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कोशिशें करते रहनी चाहिए। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सोचना जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन उसे कार्रवाई में बदलना भी जरूरी है। उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए जब सोचा हुआ काम नहीं हो पा रहा हो तो हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हर कदम पर कोशिश करनी चाहिए। जीवन की सफलता के लिए सोच करना और सोच के बाद कार्रवाई करके उसे अपनाना, यही सही रास्ता है। जिंदगी अजीब मोड़ पर चल रही है, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी में हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। रिश्ते सभी से बनाए रखें पर उम्मीद कभी किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखे ऐसे ही मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है, चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो पर अपना राज कभी किसी को मत बताओ। ये दुनिया का एक करवा सच है कि अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगा देता है, इसलिए वह अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगा देता है, इसलिए वह गरीब ही रह जाता है। ये करवा है लेकिन सच है। जब किसी की अच्छाई की बात होती है तो सब चुप बैठते हैं, लेकिन जब किसी की बुराई की बात होती है तो गूंगे भी अपनी बातें बता देते हैं। इंसान अपने किए गए 100 गुनाहों पर पर्दा डालकर हर किसी को कहता है कि जमाना बहुत खराब है। अगर कोई व्यक्ति जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं धोखा दे या मदद करने के समय पलट जाए, तो यह मत सोचो कि वह इंसान बदल गया है, बल्कि सोचो कि आज उसका नकाब उतर गया है। लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जब आप उठकर चलते हैं तो वे कह सकते हैं कि वह अकर के साथ चलता है, लेकिन जब आप सिर झुकाकर चलते हैं तो कहेंगे कि किसी की तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए इस प्रकार के लोगों की चिंता मत करें, बल्कि वह करें जो आपके मन की आवाज है। जन्म लेते समय सभी शिशु रोते हैं, लेकिन वही शिशु समय के साथ हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक वैसे ही आज हमारे जीवन में दुख होंगे, परेशानियां होंगी, मुसीबतें भी होंगी, लेकिन ध्यान रखें कि आने वाले समय में खुशियां आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी और आप फिर से मुस्कुराएंगे। आप हाथ की रेखाओं का खेल समझें जो आपकी मुट्ठी में है, आपके काबू में है। अगर कोई आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर आपका भविष्य बताता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपका भविष्य देख सकता है, बल्कि यह कहना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। लेकिन लोग इस बात को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। जो लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाते, उन्हें वक्त और युग यह बात बेहतरीन रूप से समझा देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी लोगों के जीवन में विभिन्न समस्याएं आती हैं। जो व्यक्ति इन समस्याओं का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं, वे आगे बढ़ते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। वहीं लोग जो धैर्य खो देते हैं, उनकी समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। जीवन घटनाओं का एक चक्र है, और यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंस जाते हैं तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। यदि आपकी तंदुरुस्ती खराब है तो उससे बाहर निकलना उतना ही कठिन है जितना कि किसी संकट से निकलना। यदि आपको कोई बीमारी है, धन की कमी है,
या फिर कोई समस्या आ गई है तो हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। आपके मन में चाहे बुरे ख्यालात आएं, उसकी परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक काम कीजिए, वह यह है कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा ख्याल सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे ख्यालों वाला व्यक्ति हूं। आप कोई भी सकारात्मक विचार सोच सकते हैं। हर दिन जब आप सुबह उठकर अपने आप से एक अच्छा संकल्प लेते हैं तो यह आदत कुछ दिनों में ही आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकती है। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे विचारों से प्रेरित रखना और नकारात्मक सोच और विचारों से बचने के लिए यह आवश्यक है। ज्यादातर सफल और कामयाब लोग सुबह जल्दी उठकर अपना दिन सही और सकारात्मक सोच से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दिन का निर्माण सही और सकारात्मक सोच से करना होता है ताकि वे सफलता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा सकारात्मक परिणाम स्थापित करने के लिए हमें प्रातः को जल्दी उठना चाहिए। इससे हमारी सेहत में सुधार होती है, हमारा दिमाग तेज रहता है और इस प्रकार के माहौल में हम अपने दिन की योजना बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए सफल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें अपनी नींद का त्याग करना होगा। हम सभी को सुबह सुबह अधिक नींद आता है, लेकिन आपको खुद पर नियंत्रण रखकर नींद का त्याग करके उठना ही आवश्यक है। आजकल व्यक्तियों के बीच ये देखा जा रहा है कि अगर कोई गलती करता है तो हम उसे क्षमा नहीं करते, और यदि किसी ने कुछ कह दिया है तो हम उसको हृदय से लगा लेते हैं और उस पर सोच विचार करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं। यदि किसी ने कुछ कहा है और आप उस पर विचार करने बैठते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके दिमाग का नियंत्रण किसी और के हाथ में है। किसी ने आपको प्रभावित कर दिया, आप उत्तेजित हो गए। किसी ने कुछ कहा तो आप सख्त जवाब देने में लग गए। इस प्रकार के लोग आपका समय व्यर्थ करते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना सके। इसलिए इन सभी बातों को नकारात्मक दृष्टि से देखकर आप अपने लक्ष्य के प्रति आग्रही रहें। कोई भी कहें या कुछ भी करें, आप अपना ध्यान भटकने न दें और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखें। जब आप पर किसी की बातों और क्रियाओं का प्रभाव न हो तो समझ जाइए कि आपकी सफलता आपके बहुत करीब है और कोई भी आपको आपकी मंजिल से भटका नहीं सकता। सजा देने वाले से ज्यादा बड़ा क्षमा करने वाला होता है, इसलिए लोगों की गलतियों को क्षमा करते जाएं और मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। आपको कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो कभी किसी से कोई आशा मत रखिए, क्योंकि आशा रखने से आपको तकलीफ ही होगी। परेशान रहना, उदास रहना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, चीखना चिल्लाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए जीवन की परेशानी को भूलकर हर समस्या का समाधान करते जाएं। कहा जाता है कि जहां समस्याएं उत्पन्न होती हैं वहीं समाधान भी होता है। अगर आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर हैं तो आपको यह दर्द सहना होगा। यह सत्य है कि आपकी खुशियां आपकी जिम्मेदारी हैं, किसी और की नहीं। मौत जीवन की दुखद घटना नहीं है, बल्कि अपने अंदर से सीखने की इच्छा को मारना दुखद है। इसीलिए जो काम आपको पसंद है उसमें रुचि रखें। जीवन का निर्माण और बिगड़ना आपके हाथ में है। जैसे कि एक एक बूंद से सागर बनता है, एक एक अच्छी आदत से इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव जीवन का नियम है, इसलिए कभी भी बदलाव से घबराएं नहीं। बदलाव से घबराने वाले लोग अपनी सफलता के रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं। अपने जीवन के बदलाव को स्वीकार करें। ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको खुद में परिवर्तन लाना आवश्यक है और उसे स्वीकार करना भी होता है। बिना परिवर्तन के आप वह सब कुछ नहीं पा सकते जो आपका लक्ष्य है। जब भी आपके लक्ष्य की दिशा में कोई परिवर्तन आए तो आप उस परिवर्तन के लिए खुद को तैयार रखें। अपनी सुखद स्थिति से बाहर निकलें और वह काम भी करें जिन्हें करने से आप डरते हैं। ऐसा करने से ही आपका डर दूर होगा और आप अपने जीवन के परिवर्तन को स्वीकार कर पाएंगे। प्रकृति का नियम है परिवर्तन लाना, इसलिए अपने आप को हर परिवर्तन के लिए तैयार रखें। चलिए दोस्तों,
एक छोटे से कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक समय की बात है, एक पिता अपने छोटे बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण आदतों से परेशान था। वह कई बार अपने बेटे से वार्ता कर चुका था, लेकिन छोटा बच्चा हमेशा यही कहता था कि वह जब बड़ा होगा तो सभी बुरी आदतें छोड़ देगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव और ज्ञानी थे। जो भी उनसे मिलता था उसे आसानी से मिल लेता था और उसकी समस्याओं का समाधान करता था। जब पिताजी को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिलने पहुंचे और अपने बेटे की समस्या को साझा किया। संत ने पिताजी से कहा, कल तुम अपने बेटे को मेरे बगीचे में भेजना। अगले दिन पिताजी ने अपने बेटे को संत के पास बताए गए बगीचे में भेज दिया। बच्चा ने संत को प्रणाम किया और दोनों मिलकर बगीचे में घूमने लगे। कुछ देरों बाद संत ने बच्चे से एक छोटे से पौधे को दिखाया और पूछा, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बच्चा मुस्कराते हुए बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उखाड़ देता हूं। और उसने पौधे को उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चे को थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया और कहा, इसे उखाड़ने के लिए तैयार हो। बच्चा खुश हो गया और पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। फिर भी उसने पौधा उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चे को एक पैर दिखाया और कहा, इसे उखाड़ दो। बच्चा पैर का तना पकड़ा, लेकिन इस बार उसे हिलाने में भी कोई सफलता नहीं मिली। बच्चा बोला, इस पैर को उखाड़ना मुमकिन नहीं है। संत ने कहा, ठीक इसी तरह बुरी आदतों को जितना जल्दी छोड़ो उतना ही बेहतर होगा। जब बुरी आदतें नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन आदतें जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख बढ़ता है, इसलिए आज ही सभी आदतें छोड़ दो, यह समझ लो। और वह बच्चा इस तथ्य को समझ चुका था। आशा है कि आपको यह कृष्ण ज्ञान पसंद आया होगा। इस अद्भुत कथा से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिली है कि बुरी आदतें जब भी छोड़ी जाएं तो हमारा जीवन सुधरता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और भगवान कृष्ण के अद्भुत ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।